कभी लगी आग को बुझा देता हूँ, कभी लगी आग को बुझा देता हूँ, कभी आग लगाने को दिल चाहता है, कभी शोर कभी सुकून मन को चाहिए, कभी शोर कभी सुकून मन को चाहिए, कभी कातिल को ही दिल चाहता है। उत्तराखंड जाना हुआ था मेरा, तो सिलसिले में तो मैंने ये एक गजल लिखी थी कि उठी है आवाज़ तो रहेगी देर तक, उठी है आवाज़ तो रहेगी देर तक, रात रोशन हो जाएगी सवेर तक, और जब जल जंगल जमीन चिल्ला उठेगी, मरकज भी हिल जाएगी कुछ देर तक, तो पानी डूब जाएगा, जो लिखा है पानी डूब जाएगा वक्त के साथ जमाने की आग में, आरजुओं और तमन्नाओं का लुकमा बनकर प्यास की आग में पानी डूब जाएगा, पानी डूब जाएगा किसानों की दुआओं को सुनकर, रोती पीटती उनकी आहो पुकार की थपेरे से आसमान की तरफ तकती उनकी सुनी निगाहों की खुश्की में पानी डूब जाएगा, पानी डूब जाएगा सूखी फसलों की प्यासी जड़ों को, माँ की सूखी छाती से चिपके बच्चे की हारी होठों की प्यास बुझाने में, कभी आबाद रही आज की वीरान पड़ी जमीन के दरार में पानी डूब जाएगा, पानी डूब जाएगा घंटों लगी कतार में, खाली बर्तनों की प्यासी नजरों को भरने में, कहीं पानी छूने को तरसती होठों को नम करने में, और फिर कहीं साए में बैठे जुबान निकालती परिंदों परिंदों की प्यास बुझाने में पानी डूब जाएगा, पानी डूब जाएगा खुश्क होठों से अपनी दर्द भरी दास्तां सुनाती सूखी पड़ी नदियों नालों झीलों को भरने में, पहाड़ों में भूली पड़ी आबशारों के नगमों गीतों को, गिरती उठते तान को याद दिलाने में पानी डूब जाएगा।